हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तुहाडा अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज हम कनाडा के उस सूबे के बारे में बात करने जा रहे हैं जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है और जहां पर आपको इजी पीआर मिलती है, रिहाइश सस्ती है और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन जहां पर ये सारी खूबियाँ हैं तो आपको सब खूबियाँ एक जगह पर नहीं मिलती। जहाँ पर ये सारे अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, तो वहाँ डाउन साइड भी होती है। तो ऐसे में ये वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि आपको स्टार्टिंग में वहाँ मूव करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा आपके लिए वहाँ मूव करते ही। और इसके अलावा वहाँ पर रेंट अकोमोडेशन के हवाले से हम बात करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, और इसके अलावा कल्चर के हवाले से बात करेंगे, और साथ साथ क्राइम रेट के हवाले से बात करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पीआर कैसे मिलती है और ख़ास करके जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं इनकी क्या खासियत है, क्या खूबी है, ये आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के कैपिटल की, और इसका कैपिटल है सेंट जॉन्स। और अगर हम इस प्रोविंस की पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 534,000 के करीब इसकी टोटल पॉपुलेशन है, और इस सूबे का सबसे बड़ा शहर सेंट जॉन्स ही है जो कि कैपिटल है यहाँ का। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंट और अकोमोडेशन के हवाले से। तो यहाँ सस्ती है रेंट और अकोमोडेशन, सस्ती इसलिए है कि अगर आप सिंगल रूम लेते हैं या वह 1 BHK या 2 बेडरूम लेते हैं, तो ब्लड से अगर आप बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा 500 से लेकर 600-700 तक, और अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं तो उसके लिए आपको अराउंड 700 से 800 हज़ार के करीब इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ हो सकता है। और फिर वही बात आती है, ये डिपेंड करता है ऑनर पे और प्लेस टू प्लेस, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, ये चीज़ डिपेंड करती है। नई है, पुरानी है तो उसका रेंट मज़ीद थोड़ा कम होता है। और ख़ास करके यहाँ पर ख़ास बात ये है कि स्पेशली पीपल फ्रेंडली हैं, और यहाँ पर क्राइम रेट आप कह सकते हैं कम है, और इवन के जो लोग हैं यहाँ पर स्ट्रेंजर से भी बात करना शुरू हो जाते हैं, मतलब इतने फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव हैं, आपको हेल्प करते हैं। और ये तो खैर कनाडा की खासियत है, लेकिन इसके अलावा भी आप यहाँ मौसम के हिसाब से भी हम बात करेंगे, और नेचुरल ब्यूटी के हवाले से भी हम बात करेंगे। और ब्यूटी के हवाले से वैसे इसको कहा जाता है कि मोस्ट लाइकली आयरलैंड को ही इसको इसके साथ मुवाजना किया जाता है, तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि लैंडस्केप के हवाले से और जो सीनरी है उससे मुवाजना किया जाए तो आयरलैंड ही ये एक तरह से मालूम होता है। और ख़ास करके जो आयरिश लोग हैं उनको ये फील होता है कि दे फील लाइक होम। सो आप खूबसूरती से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये खूबसूरत जगह है। मौसम यहाँ पर ठीक रहता है, चूँकि समर तो अच्छा ही होता है पूरे कनाडा का, आइडियल जाहिर है मौसम समर होता है। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं या यहाँ डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है समर में, किसी ने कमेंट किया कि कनाडा जन्नत है, लेकिन विंटर की अगर बात करें तो ज़ाहिर है विंटर थोड़ा सा यहाँ न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में थोड़ा सा हार्श होता है, स्पेशली जनवरी फरवरी समझ जाता है, जैसा कि जनवरी का महीना है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साथ में मौसम देख सकते हैं, और ये अभी स्नो हुई है और ये आप मनाजिर साथ में आपको दिखाता हूँ। और वैसे इतनी सर्दी नहीं है इस दफ़ा, इस साल मतलब वो माइनस में उस तरह से टेम्परेचर नहीं है जैसा पिछले साल था, लेकिन अफोर्डेबल है। देखें इसलिए मैं बाहर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो -10 से बिलो होता है जनवरी और फरवरी के दौरान न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के बारे में बात करें, और बेसिकली ये न्यूफाउंडलैंड हम इसको कहते हैं, और जो नेटिव हैं उसको कहते हैं न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड मतलब शॉर्ट बोलते हैं इसको, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। वैसे आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि जो अटलांटिक प्रोविंस है, वैसे न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर ये अटलांटिक प्रोविंस में आता है, और इसके अलावा 4 प्रोविंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अटलांटिक प्रोविंस में आते हैं, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर और न्यू ब्रंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और नोवा स्कोशिया। ये बेसिकली इन प्रोविंस की खास बात यह है कि यहाँ पर आप जाते हैं, वैसे ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए, अगर आपके पास वर्क परमिट या लीमा रिलेटेड जॉब है या स्टडी परमिट पे आप जा रहे हैं या स्टडी पे आप जा रहे हैं तो आपको इन प्रोविंस का इंतखाब करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जैसे आपने थंबनेल देखा, यहाँ पे पीआर आसान है। मैं आपको आसान मिसाल दूंगा कि अगर जो लोग स्टडी पे जाते हैं, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो 1 साल का कोर्स करने के बाद उनको एक्सपीरियंस, 0 एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस में कहीं साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, 6 मंथ का चाहिए होता है, तो यहाँ पर आपको 0 एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप अपनी फाइल पीआर फाइल कर सकते हैं पीएनपी के लिए, यानी उस पाथवे को आप चूज़ कर सकते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पीआर को लेकर काफ़ी चीज़ें इजी हैं। और अगर आप वर्क परमिट पे हैं या इसके अलावा कोई और जॉब कर रहे हैं तो इस हिसाब से भी काफ़ी आसानी होती है। और मोस्टली जो स्टूडेंट वहाँ पर
स्टडी के लिए जाते हैं, उनको अगर लट से जॉब नहीं भी मिलती तो उनके लिए परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि लाइक कुछ टाइम के बाद उनको पीआर मिल जाएगी, वो किस तरह से सर्वाइव कर लेंगे, लाइक कोई छोटी मोटी जॉब करके या जो भी उनका तरीकाकार है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ अटलांटिक प्रोवेंसेस का। तो स्टार्टिंग में अगर आप उन प्रोवेंसेस में जाते हैं तो सबसे पहली बात होती है, सबसे बड़ा कंसर्न होता है सबका कि पीआर मिल जाए। तो जब पीआर मिल जाती है उसके बाद पूरा कनाडा आपका, आप जहाँ मर्जी जाना चाहें, जहाँ मर्जी जाके आप जॉब करें या बिजनेस करें बेसिकली। तो इन सिटीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ कि जो न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के जो सिटीज़ हैं, मतलब इतने बड़े नहीं हैं जैसे ज़ाहिर हम आवाज़ ना करते हैं टोरंटो से, वैंकूवर से या बाकी कनाडा के शहरों से, तो ज़ाहिर छोटे शहर हैं। लेकिन जो बेनिफिट है, असल बेनिफिट है पीआर का, और पीआर के अलावा यहाँ रिहाइश जो है वो सस्ती है, प्रॉपर्टीज़ भी सस्ती हैं। और इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगा कि डाउन साइड क्या है, यहाँ की डिसएडवांटेज क्या है। ज़ाहिर आप वहाँ पर मूव होते हैं तो ज़ाहिर कुछ चीज़ पाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ इस प्रोवेंस में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका इकॉनमी में अहम किरदार है, बेसिकली वो ऑयल एंड गैस, माइनिंग, फिशरी और इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और ख़ास करके यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें, उस तरह से डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। लेकिन अगर आप रिटेल इंडस्ट्री से, फूड चेन से आपका ताल्लुक है, फिशरी से, या इसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर की हम बात करें तो ज़्यादा जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी चाहिए, कनाडा के आप किसी भी शहर में हों, कि किसी भी प्रोविंस में हों, तो जॉब हंटिंग का और ज़ाहिर ये थोड़ा एक मामला है, एक प्रोसेस है। और आप ये मत समझिएगा कि आप कनाडा आएंगे तो पहले ही महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, शायद आपको 2 महीने लग सकते हैं, 3, या लोगों को 6 महीने भी लगते हैं। तो ये जहन में आपको रखना चाहिए। और जॉब हंटिंग के लिए ज़रूरी है कि स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। स्किल्स की अक्सर बेशतर हम बात करते हैं और आप पूछते भी हैं कि स्किल क्या होनी चाहिए, तो स्किल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। आप कोई भी काम करते हैं, छोटा मोटा या आपको बड़ा काम करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। तो जॉब के हवाले से बेसिकली उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा आप एक तरह से डाउन साइड इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आपने देखना है कि आपको कुछ टाइम के बाद यहाँ पीआर मिल जाएगी, और उसके बाद आप कनाडा में कहीं और किसी अच्छी जगह पे, अगर आप किसी और अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में मूव होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्स के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। टैक्स यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, और जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि GST और PST दो तरह के टैक्स होते हैं, और वो मिलाकर यहाँ बनता है HST। और यहाँ पर GST गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है वो तो 5% है पूरे कनाडा में, ऑल प्रोविंसेस। और जो PST है यहाँ पर 10% है, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की बात करें तो ओवरऑल अगर हम HST की बात करें तो 15% है। तो अगर प्रॉपर्टी के हवाले से और कमोडिटीज़ के हवाले से और इनकम पे आपको टैक्स लगता है, ये एक थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा टैक्स आपको यहाँ पर इतना पे करना पड़ेगा, ये एक थोड़ा सी साइड आप देखिएगा। ओवरऑल न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर एक बेहतरीन जगह है, और मॉडर्न एमिनिटीज़ की हम बात करें, और इसके साथ साथ डाइवर्स कल्चर आपको मिलता है, लोग यहाँ पर अच्छे हैं, और आपको यहाँ पर अफोर्डेबल रिहाइश भी मिलती है। तो अगर आप मूव होना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो बेसिकली आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है स्टार्टिंग में, अगर आप जाना चाहते हैं न्यूफाउंडलैंड और बेसिकली अटलांटिक प्रोविंसेस का इंतखाब करते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि आपको वहाँ PR का जो पाथवे आप चूज़ करते हैं, डिपेंड्स कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद आपके लिए PR का पाथवे आप चूज़ करते हैं तो आसान हो जाता है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा ज़ाहिर टैक्स के हवाले से और जॉब के हवाले से, और जॉब के हवाले से चूँकि आपकी पहले से कोई जान पहचान है, पहले से कोई जानने वाला है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और ये ज़रा जहन में रखिएगा। और जॉब एकदम से नहीं मिलती, आप कहीं भी चले जाएँ, टोरंटो भी चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, तो ज़रा उसके लिए आपको जॉब हंटिंग और आपके पास स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के बारे में आज की ये वीडियो आप लोगों ने सजेस्ट की, और इस पर आप अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर सजेस्ट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्रोविंस के बारे में जानना चाहते हैं। और YouTube पे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और Facebook पे पेज को लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।